खाने की खीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पैन को गरम करा और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। अब घी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा मखानों को भून लेंगे एक कटोरी के करीब, और इसको तब तक हम इसे पकाते रहेंगे जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। और ध्यान रखना है कि इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाएंगे तो इसमें क्रंची बन नहीं आएगा और ये जल जाते हैं। अब देखिए इस स्टेज पे इसको, ये देखिए इस तरह से इसका चूरा जब बन रहा है, तो अब ये परफेक्टली भुन गए हैं। अब इसको एक जार में अब डाल दीजिए और ठंडा करने के लिए अलग रख दीजिए। तब तक आप पैन में ड्राई फ्रूट्स लेके उसे अच्छे से भून लीजिए। थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने अलग रख दिया, और अब पैन में 1 कप दूध गर्म कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग दूध ज़्यादा कम ले सकते हैं, ये एक या 2 लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। अब आप इसे बस धीरे धीरे चलाते रहिए, बस जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। बस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। कम आँच पे रखिए और बस थोड़ी देर में अभी मैं इसमें मखाने जो हमने पीस के अलग रखे हैं, ये देखिए ये मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक चूरा आपको उसको नहीं बनाना है। इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बस अब आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए और आँच कम रखिए, ताकि मखाने अपना जो रस है वो धीरे धीरे इसमें छोड़ दें और पूरा फ्लेवर इसमें मिक्स हो सके मखानों का। अब आप इसको कम आँच पे तब तक पकाइएगा जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट जो हमने भुन के अलग से रखे थे उसे मैंने काट लिया है, इसमें ऐड कर दिया है, और उनको भी इसी टाइम पे इसमें मिला दीजिए ताकि उनका फ्लेवर भी इसमें अच्छे से ऐड हो जाए। और अब हम चीनी डाल देंगे। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें आधे से थोड़ा कम कटोरी चीनी डाली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस अब आप देख लीजिए कि ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुका है। अब ये देख, बस अब ये देखिए परफेक्ट स्टेज है। हमें इस स्टेज तक इसको लेके आना है। जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो ये आपका खाने की घी रेडी हो चुकी है। अब इसे थोड़ा ठंडा करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो आप भी इंजॉय